एक बॉक्स बनाओ और उसमें वन लिखो। अब उसके नीचे दो और बॉक्स बनाओ और उसके अंदर वन और वन लिखो। अब उसके नीचे तीन बॉक्सेस बनाते हैं और उनमें ऊपर वाले दो बॉक्सेस का सम लिखना है, मतलब यहाँ पे वन, बीच में टू और यहाँ पे वन। और ऐसे करते करते सीक्वेंस में एक ट्रायंगल बन जाएगा और उसे ही तो आज की डेट में हम पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन अब ऋषि हलायो द्वारा लिखे संस्कृत के इस श्लोक में मेरु प्रसार के बनने की विधि देखते हैं। एक बॉक्स बनाओ, अब उसके नीचे दो बॉक्सेस बनाओ और ऐसे करते करते नीचे चले जाओ। ऊपर वाले बॉक्स में वन लिखो, फिर बाहर के सभी बॉक्सेस में वन लिखो। अब हर खाली बॉक्स में ऊपर लगे दो बॉक्सेस की एडेड वैल्यू लिखो। ऐसे मेरु प्रसार बन जाएगा, मतलब पास्कल्स ट्रायंगल का वर्णन हमें मेरु प्रसार के नाम से पहले ही मिल जाता है। लेकिन उस समय उन लोगों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मंत्र लिखने के लिए। अगर हम कोई भी मंत्र देखते हैं तो वह एक काव्यात्मक, मतलब एक पोएटिक फॉर्म में होता है। जैसे कि अगर हम गायत्री मंत्र की चौथी लाइन देखते हैं तो वह छह अक्षरों से बनी है, जिसमें से कुछ लघु और कुछ गुरु है। अब मैं छह अक्षरों की लाइन को 64 डिफरेंट वे से लिख सकता हूँ। मुझे कैसे पता लगा? मेरु प्रस्तार की लास्ट लाइन को देखकर। और इसी तरह पुराने कवि मेरु प्रस्तार का उपयोग करते थे कविताएं लिखने के लिए। उस समय ऐसी खोज करना और उसके प्रैक्टिकल यूजेस भी लेना सच में हमारे ऋषियों की महानता दर्शाता है।